सदन का ध्यान एक गंभीर विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मानव राजस्थान से निकली हुई गाड़ियाँ लोहार एक जाति है, कहते हैं कि ये लोग महाराणा प्रताप की सेना में हथियार बनाने का काम करते थे, लेकिन महाराणा प्रताप के बलिदान के बाद इन्होंने इस कसम के साथ मातृभूमि छोड़ दी कि जब तक मेवाड़ पर स्वराज्य स्थापित नहीं होगा तब तक घरों को नहीं लौटेंगे। इतिहास मान्यवार कुछ भी हो, लेकिन ये सच्चाई है कि लोहे के औजार या उपकरण बनाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये महीन से महीन लोहे का उपकरण भी बिना किसी आधुनिक मशीन और औजार के बनाने की दक्षता रखते हैं। मान्यवर, कुछ दशक पहले ये लोग किसी भी गांव या शहर के पास अपना काफिला रोक के वहां पर रोजाना काम में आने वाले उपकरणों को गलियों में फेरी लगाकर बेचते थे तथा बदले में अनाज और बैलों के लिए चारा लेते थे। अनाज का कुछ हिस्सा बेचकर ये दाल रोटी और कपड़ा लेकर उसका अपना गुजारा करते थे, लेकिन मशीनी युग ने इसके रोजगार को छीन लिया और आज ये स्वाभिमानी जाति भीख मांगने के लिए मजबूर है। मैं राष्ट्रीय राजधानी में ही इनकी तस्वीर दिखाई दे सकती है। जैसे ही हरियाणा से दिल्ली में आते हैं तो सड़क के किनारे गंदगी के बीच में ये अपना काम करते हैं, वहीं झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। किसी भी आदमी का रोंगटा खड़ा करने के लिए कोई भी संवेदनशील आदमी इनकी बात को समझ सकता है। मान्यवर, मैं एक सुझाव है मेरा सरकार को, राज्यों में गोमंतू कल्याण बोर्ड तो है लेकिन इनका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको नहीं दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वो राज्यों को निर्देशित करे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबसे पहले गाड़िया लोहारों को दिया जाए। इसके लिए सरकार स्वयं भूमि अधिग्रहण करे, ये मानवता का मामला है। इनको क्लस्टरों में बसाकर वहीं इनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आधुनिक कौशल और प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए। मान्यवर, ऐसे असुविधाजनक वातावरण में रहते हुए भी अगर इनके बच्चों को युवक युवतों को देखेंगे तो इनकी सुंदरता और सुडौलता देखने को ही लायक है। इसलिए इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार कानून में प्रावधान करे कि जो भी सामान्य या पिछड़ा वर्ग का कोई भी युवक घुमंतू परिवार की लड़की से शादी करता है तो दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपये दिए जाएं और उसके साथ उस युवती युवती के जो संतान पैदा हो उनको आगे की शिक्षा और स्वास्थ्य की मुख्य सुविधा दी जाए ताकि ये भी मुख्य धारा में आके डॉक्टर अच्छे नागरिक बन सके।